राह मन स्वदेशी, राह तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अभी एक सवाल मुझे पूछा गया, हम जब विवाह करते हैं ना, विवाह तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है, नारी का मिलान करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं, आप जानते क्यों करते हैं? कोई लोग तो कहते हैं कि ये भुआ बाजी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नारी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना ये बकवास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है, ये साइंटिफिक बात है। बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नारी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं कि डीएनए एक ही ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष की शादी ना हो। एक ही डीएनए ग्रुप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिंदगी भर संतान का त्रास रहेगा। एक ही डीएनए ग्रुप में डीएनए के ग्रुप हैं और वो ग्रुप अगर एक ही जैसे हैं, नजदीक नजदीक का बहुत अंतर नहीं है, उनमें आपस में शादियां हुई तो एक तो संतान होगी नहीं, हो भी गई तो मतिमंद होगी, विकलांग होगी, कमजोर होगी, बुद्धि से बिल्कुल कमजोर होगी, शरीर से कमजोर होगी और संतान जीवित नहीं रहेगी, ज्यादा दिन जल्दी मरेगी। अगर एक ही ब्लड ग्रुप के नजदीक वालों की शादियां हो गई तो जब हम नारी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का ध्यान रखते हैं। एक ही नारी और एक ही गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि डीएनए एक ना हो। डीएनए एक होने के चांसेस तभी है जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो, तो 100% ब्लड ग्रुप एक हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना, वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नारी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है, 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूँ जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो नहीं सकती संतान। कितनी भी कोशिश कर तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है, तो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने कहा आपने पाप ये भी किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नारी गोत्र का ध्यान रख के करते तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है, माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं। अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी, तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसकता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा दिन टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इंपल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक अकेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है, तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में। और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली, और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं सकता। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में है, और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी, ऐसी हालत हो जाती। एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या 5-10 दिन पहले तक किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री दुनिया का सबसे सुंदर,
इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता। और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है। और वो ऐसी घिसकती है जैसे एक टांग का आदमी घिसकता है। तो आप जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें। मेरा ये कहना, एक डॉक्टर की नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आपके मन में इंपल्स बहुत ज्यादा हो तो कोई फैसला मत करिए, क्योंकि फैसले पे गलत होने की शक्यता सबसे ज्यादा। इंपल्स बहुत है तो एक बात याद रखिए, डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है और ये हार्मोन है विवेक को खत्म कर देता, विवेक काम ही नहीं करता। विवेक काम नहीं करेगा, फैसला गलत होगा, फैसला गलत होगा, जीवन भर आप पछताएंगे कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत फैसला किया, उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा। तो ये आप मत करिएगा। प्रेम करिए लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करिए, प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन प्रेम का आवेग खतरनाक, प्रेम खराब नहीं है, उसमें जो आवेग है, इंपल्स है, वो बहुत खतरनाक है। उसको ध्यान रखिए, आपकी संतान के विषय में सोचकर, देश और समाज और धर्म के विषय में सोचकर।